अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, हर बंदे को नज़ला, ज़ुकाम और सीजनल फ्लू हो रहा है। ये ऐसी कुछ आपको घरेलू टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप यूज़ करके आप जो है इस मसले से रिलीफ ले सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है, जैसे ही मौसम तब्दील होता है, गले में एक हल्की सी खराश आ जाती है, उलझन, बेचैनी होती है, गला ख़राब हो जाता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और फ्लू हो जाता है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप फौरी तौर पर एंटीबायोटिक्स की तरफ हरगिज़ मत जाएं। कुछ आप ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो आप यूज़ करके आप इस सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। काम में आप ग्रीन टी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, इसके अलावा आप लेमन वाला कहवा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा छींकें आने की सूरत में आप कोई भी एंटी हिस्टामिन मेडिसिन ले सकते हैं जो कि आपको छींकों से रिलीफ दे सकती है। अगर आपको सीजनल फ्लू हो, इतना ज़्यादा मसला ना हो, हल्का फुल्का फ्लू हो, गला ख़राब हो, गले में खराश हो, या आपका गला बैठ जाए, या आपकी आवाज़ में कोई मसला आ रहा हो, आप नज़ला होने की सूरत में अगर आपकी नोज़ ब्लॉक हो जाए, घर में आप गर्म पानी करके उसकी आप भाप ले सकते हैं। वैसे तो ये सीजनल फ्लू होता है, तकरीबन 2 से 3 दिन तक ये मसला रहता है, फिर खुद ब खुद ये ठीक हो जाता है। अदरक की चाय, अदरक का कहवा भी आपको रिलीफ दे सकता है। ये चंद ऐसे एक बिल्कुल सिंपल और घरेलू टिप्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके आप इस मसले को किसी हद तक कम कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी नज़ला ज़ुकाम की कोई मेडिसन घर हुई मत लें। आप किसी भी पेचीदा सूरत हाल में फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। उम्मीद है कि मेरा आज का सेशन आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।